तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर बेसिकली तुम इस वाले क्वेश्चन को देखते हो, ए बॉडी फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, लेट अस कंसीडर ए टावर, और एक टावर से एक बॉडी को गिराया जाता है, दिस इज बेसिकली द टावर, और ए बॉडी इज फॉल फ्रॉम दिस टावर। अगर एक टावर से मैं किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, दिस इज द बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब समय जीरो था, तो ये कहते हैं कवर 30, इस टावर की अगर हाइट h हो, ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेशन करना है। कवर 36% ऑफ टोटल लास्ट सेकेंड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब ये बॉडी नीचे आएगी, तो जब ये बॉडी ऐसे नीचे आएगी तो ये यहाँ पर आएगी, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये जो है इस पॉइंट पर तुम देखोगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 36% ऑफ h है, मतलब 0.36 h हाइट ये है। तो अगर तुम देखोगे ये है, तो ये जो कवर किए यहाँ से यहाँ तक आने में, वो है 0.64 h है, ठीक ना। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से वो हमें मिल गई, ठीक ना। तो अब यहाँ से पूरी हाइट कवर करने में, पूरी h आने में टाइम कितना लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लग गया t सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लास्ट के 36 है, समय लग गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है, ये वाला टाइम, इस ये टाइम कितना लगा, t माइनस 1 सेकेंड, तो यहाँ से t माइनस 1 सेकेंड, ठीक ना। तो t माइनस 1 सेकेंड में कितनी चली है, 6.46 h, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। तो अब मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देता हूँ, पूरी बिल्डिंग के लिए मैं लगाऊँ, पूरा बिल्डिंग के लिए लगाऊँ, तो ये आ जाएगा h माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और हाफ और gt का स्क्वायर, मतलब h की जो वैल्यू है वो हाफ gt स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि मुझे यही निकालना है, यही हाइट मुझे निकालना है। अगर मुझे यही हाइट कैलकुलेट करना है, तो अगर तुम देखोगे मुझे यही वाली हाइट चाहिए, तो यही वाली अगर हाइट चाहिए, तो अब मैं 0.64 h के लिए मैं लगा देता हूँ ये वाली। तो अगर तुम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हो t माइनस 1 सेकेंड के लिए, तो ये जो हाइट है 0.64 h यहाँ से आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सलेशन जी, और ये माइनस लेना चाहते हो तो नीचे माइनस ले लो, और टाइम टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो ये जो इक्वेशन तुम, ए इक्वेशन जो हम लोग इक्वेशन टू लिख दिए, तो इसको मैं और सुंदर तरीके से लिख सकता हूँ, जीरो पॉइंट ये, और यहाँ से हाफ जी, और टी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ किस में, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट से सेकेंड में डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर बचेगा h, और इधर बचेगा 0.64 h यहाँ से, और ऊपर बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, और नीचे बचेगा यहाँ हाफ और g, और टाइम t माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हाफ ये कट गया, और ये h ये कट गया, और 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो आ जाएगा 100/64 अंडर रूट यहाँ से, और ये आ जाएगा t/t-1 यहाँ से। तो ये अगर आप यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से 10/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा t, और ये t-1, इसका मतलब ये हुआ कि 8t यहाँ से, और ये 10t-10 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 इधर आ जाएगा, और 10t-8t के बराबर आ जाएगा, दैट इज यहाँ से 2t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड, मतलब पूरा बॉडी जो है, पूरा जो टाइम ऑफ फॉल है इस बॉल का, वो 5 सेकेंड है। अब हाइट निकालने के लिए बिल्डिंग का फर्स्ट इक्वेशन में रख दो t की वैल्यू, तो बिल्डिंग की हाइट h की वैल्यू है हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर मतलब हाफ g की वैल्यू 10, और टाइम t का स्क्वायर 25, तो ये 5 टाइम्स कट गया, 25 × 5 = 125 होता है, तो यहाँ से 125 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई होगी। तो अगर तुम इस मतलब इसे देखोगे, तो अपना डी ऑप्शन सही बन जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।